गुड मॉर्निंग बच्चों केमिकल टॉक्सिकोलॉजी पार्ट फोर केमिकल टॉक्सिकोलॉजी पार्ट थ्री में हमने बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स डिस्कस किए थे उसमें डिफरेंट टाइप्स के पेस्टिसाइड्स उसके स्ट्रक्चर तो उसके बायोकेमिकल इफेक्ट्स को हमने डिस्कस किया था अब यहाँ पर हम बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ पेन पेन मीन्स पर ऑक्सीटाइल ठीक है तो पेन को हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ पेन फॉर्मेशन ऑफ पेन एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनवाइ प्लांट्स एंड ह्यूमन हेल्थ को डिस्कस करेंगे एंड तक देखिए इसमें फॉर्मेशन ऑफ पेन को हमने मैकेनिज्म वगैरह को डिस्कस किया है और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें एंड लाइक करें जिससे कि बहुत सारे बच्चों को इसको बेनिफिशियल मिल सके पेन पेन की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम है पेन की फुल फॉर्म भी पूछते हैं पर ऑक्सीऐसीटाइल नाइट्रेट

CO इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है फिर O O देन NO2 देखो परऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट अब यहाँ पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है दैट इज परॉक्सि ग्रुप कौन सा ग्रुप है ये परॉक्सी ग्रुप है और ये CH3 CO वाला ये एसिटाइल ग्रुप है और ये नाइट्रेट तो परऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट इसीलिए इसको देखो आराम से इजीली तुम स्ट्रक्चर लिखते हो CH3 C डबल वन O इट इज एसिटाइल ग्रुप फिर साथ में परोक्सी ग्रुप लगा दियो ओ ओ देन एनओ टू ग्रुप नाइट्रेट ग्रुप लगाओ तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट स्ट्रक्चर भी इजिली हम बना सकते हैं एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला इज द सी एस थ्री सी ओ ओ ओ एन ओ टू इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक बहुत से एग्जाम में ये पूछते हैं कंपटीशन कॉम्पिटिटिव के एग्जाम पे पूछते हैं जो पैन है पैन इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक एक लंडन स्मोक होता है एक फोटोकेमिकल स्मोक होता है दो टाइप के स्मोक्स होते हैं जब मैं स्मोक की स्लाइड बनाऊंगी उसपे इसको डिस्क्राइब कर दूंगी ठीक है तो फोटोकेमिकल स्मोक का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है पैन इट इज आल्सो ए इविकेटियस केमिकल प्रेजेंट थ्रू आउट द ग्लोबल ट्रोपोस्फीयर ठीक है योर ग्लोबली ट्रोपोस्फीयर पेस Uh, रहता 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 है। है है। है है है। अ पे पे क्या होता है? ये stable है. Cold temperature पे क्या होता ये ये ठीक डीकंपोज टू नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं बोलते हैं ठीक है ठीके? तो नाइट्रिक ऑक्साइड एन टू और ऑक्साइड इसलिए नाइट्रोजन के डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स के फॉर्म या नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज हो सकते तो यहाँ पर हमने NOx लिख दिया एट बॉम टेंपरेचर तो बॉम टेंपरेचर पे ये बहुत जल्दी डीकंपोज हो जाता है बट एट कोल्ड टेंपरेचर इट इज स्टेबल कोल्ड टेंपरेचर पे ये स्टेबल रहता है और बॉम टेंपरेचर पे ये डीकंपोज होता है ये ध्यान रखना इट रिमोट इन रिमोट एटमॉस्फेयर इट कैन एक्ट एज अ कैरियर एंड अ रिजर्वयर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड रिमोट एटमॉस्फेयर में ये कैरियर की तरह भी वर्क करता है व्हिच इज नेसेसरी फॉर ओजोन फॉर्मेशन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के रिजर्वेट की तरफ और ओजोन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और PEN, इसका दूसरा नाम भी है, है। इसको हम एसिटाइल ग्रुप को पहले लिख देंगे फिर परेट को लिखेंगे तो एसिटाइल सिमिलर ही है कुछ डिफरेंट नहीं है पेन को ही हम एपीएन भी कहते हैं तो कभी कभी एग्जाम में लिख देते हैं

पैन आ रहा से सेकेंडरी पोलिटेंट पॉलिटेंट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं एक प्राइमरी एक सेकेंडरी प्राइमरी पोलिटेंट क्या होता है नेचर में डायरेक्टली अकर करते हैं सेकेंडरी होते हैं वो प्राइमरी पॉलिटेंट पे डिपेंड होते हैं प्राइमरी पॉलिटेंट से ड्राइव होते हैं ठीक है तो पैन हमारा सेकेंडरी पॉलिटेंट है सिंस तो इसमें दो क्वेश्चन हो गए पैन की फुल फॉर्म पैन का स्ट्रक्चर पैन जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक का कॉन्स्टिटेंट है

It is formed by the combination of hydrocarbon and nitrogen oxide, panca structure CS3COOONO2. NO2. 2 is a constituent of photochemical smoke. Pan is also called as APN, and it is a secondary pollutant. and Sources are motor vehicles, tobacco smoke, and burning of fossil fuels. It is very important. oxyacetyl nitrate structure. We this way. Now, primary and secondary air pollutants. What are the primary air pollutants and what are the secondary air pollutants?

इंट्रेक्शन एमोंग द प्राइमरी पॉलिटेंट जो कैसे बनेंगे हमारे प्राइमरी पॉलिटेंट के इंट्रेक्शन से सेकेंडरी पॉलिटेंट फॉर्म होंगे फॉर एग्जांपल पेन पर नाइट्रेट एंड फोटोकेमिकल स्मोक बताया इट पेन इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक फोटोकेमिकल स्मोक देखो फोटोकेमिकल स्मोक किसके किससे बनता है सोलर रेडिएशन से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा

Are बता दिया, हमने, last slide में भी बताया था पेन कैसे पॉलिटेंट्स है इंटरनल कम्बस्टेंट इंजन ठीक है ये डायरेक्ट हमें पावर प्लांट्स या इंटरनल कम्बस्टेड इंजन से, से डायरेक्ट नहीं ऑपरेंट होते क्योंकि ये कंबाइंड करेंगे हाइड्रोकार्बन से नाइट्रोन ऑक्साइड से तब जाके पैन में चेंज होंगे बट दे आर फॉर्म फ्रॉम अदर पॉलिटेंट्स

फॉर्मेशन तो हो गई द मोस्ट कॉमन पर विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फ्री रेडिकल ऑक्सीडेशन ऑफ एसटीएल डीट वेरियस की

मोस्ट सीरियस बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पैन आर ऑफ फाइटोटॉक्सिक नेचर ठीक है इंजुरी in हो जाती है और वेजिटेशन इनका डिस्टर्ब हो जाता है ठीक है फाइटोटॉक्सिक द मेन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पैन इज फाइटोटॉक्सिक नेचर

ज में stable होता है, है है। नहीं हो पाता इसलिए तो उसकी ज़्यादा होती पे तक इसकी है. However, in warmer areas, अगर hot areas में हम बात करें इट इज ए टिपिकली घंटे तक इसकी लाइफ टाइम होगी क्योंकि बॉर्मर एरिया पे ये डिकम्पोज हो जाएगा पेन कैन बी

फार अवे फ्रॉम देयर सोर्सेज ठीक है सोर्सेज से दूसरे जगह भी आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इन ह्यूमन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ध्यान रखना और पैंट का ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोल्ड टेम्परेचर में ये लाइफ टाइम ज्यादा है और हॉट टेम्परेचर में ये डिकम्पोज हो जाएगा इन ह्यूमन इट कैन कॉज रिड्यूस्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन ह्यूमन बींग्स पे ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम रिड्यूस्ड हो जाएगा ब्रीदिंग सिस्टम आई इरिटेशन आई पे प्रॉब्लम हो जाएगी इरिटेशन हो जाता है इट मे आल्सो बी लिंक्ड इन एम्फाइजिमा। एम्फाइजिमा क्या होता है कि ये जो लंग्स में एयर सेक्स होते हैं एल्विलाई और एयर सेक्स वो बंद हो जाते हैं ठीक है एयर सेक्स डैमेज हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं तो उसको एमफाइजिमा बोलते हैं इंपेयर्ड ब्रीदिंग ठीक है एमफाइजिमा मींस इंपेयर्ड ब्रीदिंग एंड अदर लंग्स प्रॉब्लम एज एयर सेक्स डैमेज्ड आल्सो Uh, known to be irritant, बता दिया दिया अभी भी आई इरिटेंट भी इससे होता है है को एक दिया है, लेक्री मेंटर्स। लेक्री मेंटर्स जब यूज करेंगे तो इसका मतलब से पानी आना इरिटेशन होना रेडनेस होना ये सब आईटेट के सिम्टम्स होते हैं अदर इफेक्ट्स इंक्लूड रिड्यूस्ड विजिबिलिटी इसकी वजह से विजिबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी एंड रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स इसको भी हमने यहाँ पर इसी को रिवाइज किया। ठीक है, इसका है।, तो ये भी है ध्यान इस एक्सटिक का साइन बना देते हैं जिससे याद रहेंगे इट मे आल्सो भी लिंक्ड टू मींस लंग्स पे एयर सेक्स जो होते हैं सेक्स डैमेज हो जाते हैं इंपेयर्ड ब्रीदिंग एंड अदर लंग्स प्रॉब्लम

जाती है, जाती है plants में. Both and their chlorinated, इसके के derivatives भी होते हैं, हैं. को change करते है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ पैन को बताया कि किस तरह पैंट फॉर्मेशन करते हैं और किस तरह ओजोन का फॉर्मेशन होता है ठीक है तो सबसे पहले देखो कभी कभी ओजोन फॉर्मेशन भी पूछ लेते हैं और पैंट का फॉर्मेशन भी पूछ लेते हैं तो पैंट के फॉर्मेशन नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो जो फर्स्ट लाइट में दिखाया था नाइट्रोजन ऑक्साइड अल्ट्रा वाले ट्रेस के मिलकर एनो और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज होते हैं ठीक है अब ऑक्सीजन मोलिकुलर ऑक्सीजन और एयर के मिलकर ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं ठीक है अब ओजोन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड एनो नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन मिलकर एनओ टू और ओ टू में रिलीज करते हैं फिर ये हाइड्रोकार्बन जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन है और वो ओजोन के साथ मिलके किस में चेंज जाते हैं फॉर्मेडीहाइड बना लेंगे फॉर्मेलिहाइड बना सकते हैं कीटोन बना सकते हैं ठीक है मिथाइल बना सकते हैं बना सकते हैं ठीक है ठीके? ये फॉर्मेलिहाइट ये सारे ग्रुप बना लेंगे और थ्री एच टू एल जब एल्डिहाइड डी हाइड जो बनेंगे ये ग्रुप मिलकर नाइट्रोजन के साथ पैन में कन्वर्ट हो सकते हैं ठीक है

पर ऑक्सीटाइल बना लेगा ठीक है दिस इज द पेन ठीक है तो पर रेडिकल नाइट्रेट किस तरह बन गया पर रेडिकल प्लस नाइट्रोजन मिलके पर ऑक्सीटाइल बन गया पेन ठीक है तो पेन फॉर्मेशन में आ, ये बोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड ये सब मिलकर पाथ बेन बने रेडिकल साइक्लिंग होगी अदर बोलेटाइल ऑर्गेनिक और ये फॉर्म सी एच थ्री सी एच ओ बना लेते हैं इस तरह बनाएंगे फिर पैन का फॉर्मेशन होगा जो यहाँ पर दिखाया है फिर पैन क्या करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड नैनो ऑक्स ओजोन को फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे एनो और ओनओ टू मिलकर यहाँ पे जैसे इस तरह ओजोन का फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पर ये यह ओजोन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर और आर ओ और आर ओ टू मिल ये आर सी ओ आर सी ओ टू मिल ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिलकर नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन को यहाँ पर निकालते हो इधर

जैसे ही पॉसिबल होगा उसको अपलोड कर दूंगी थैंक यू बच्चों हैव ए नाइस डे